ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर कहा कि मैंने सौदेबाजी नहीं की, ये शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मैं प्रदेश को कलंकित नहीं करना चाहता था। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज जिनके कारण पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है, उन्हें भाजपा ने दूल्हा तो बना लिया लेकिन जमाई नहीं बनाएंगे। ग्वालियर में कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार के समर्थन में सभा को संबोधित करने आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक बार फिर मुंबई, सलमान और शाहरुख खान की याद आई और उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इनसे तुलना की। कमलनाथ के निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। कमलनाथ ने कहा कि मुझे जब शिवराज सिंह ने प्रदेश की सत्ता सौंपी थी तब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला अपराध, माफिया राज सब में प्रदेश नंबर वन था। किसान आत्महत्या कर रहे थे, युवा रोजगार के लिए तरस रहे थे। 15 साल में मध्य प्रदेश का बुरा हाल कर दिया था। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह और भाजपा ने यह हालत कर दिए हैं कि अब नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ना होगा, बोली लगाओ, पार्षद बन जाओ। हालांकि कमलनाथ ने ये नहीं बताया कि उन्होंने कितने बेरोजगारों को रोजगार और किसानों का कर्ज माफ किया है। शिवराज सिंह मैं हमेशा कहता हूं, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता एक्टिंग में। ये तो जितने बड़े एक्टर हैं उनमें तो शाहरुख खान और सलमान को भी नीचे लगा दे, उनको तो जाना चाहिए, बंबई जाना चाहिए, सौदा कर लो, बिकाऊ हो गए, बोली बोल लो। अब तो आपको नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, वार्ड में गोली बोल लेना और पार्षद चुन लेना, सरपंच का चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, गांव में गोली बोल लेना, सरपंच चुन लेना, ये उनकी राजनीति है। बोले 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया, विश्वास था, बोला है तो करेंगे, ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं, बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया, पैसा जमा करो कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा, नहीं भरा तो कुड़की होगी, बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में, इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। भैया, रमेश भैया आए, खेत की बखंडी कर दी है, ट्रैक्टर का किराया देना है। तेरी भाभी को बोल दे। भाभी, भाभी, वो ये लो भैया, सुनार के यहाँ रखकर दे दो पैसे। ओ भोली भाली, गिरवी रख के नहीं चुकाने हैं, जेब से निकाल कर देने हैं। किसान निधि शिवराज ने 4,000 बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए। अब छोटे मोटे खर्चों के लिए कर्ज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हाँ भाभी, जब जब जरूरत होती है ना तो विश्वास रहता है कि एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।